इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज मैकलीन पार्क नेपियर में खेला जाना है। दूसरा T20 मैच टीम इंडिया ने 65 रनों से जीत लिया। नेपियर में क्लाउडी मौसम, बारिश हो सकता है जैसे कि अभी अपडेट निकल के आ रही है। T20 का आखिरी मैच अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो T20 सीरीज न्यूजीलैंड से 2-0 से जीत जाएगी, जबकि अगर न्यूजीलैंड इस मैच को जीतता है तो 1-1 पे सीरीज टाई हो जाएगा। तो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा सीरीज है न्यूजीलैंड में सीरीज को सील करने का। संजू सैमसंग और ऋषभ पंत में से किसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि T20 सीरीज में अभी तक ऋषभ पंत ने एक मैच खेला जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए और संजू सैमसंग को यहाँ पे मौका दिया जा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में दो ही चीज़ नोट की जा रही है, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस और ऋषभ पंत की बैटिंग। ऋषभ पंत ने अभी तक एक मैच खेला है जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए हैं, जबकि संजू सैमसंग एक प्रतिभाशाली बैट्समैन है जिनको अभी तक मौका नहीं मिला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। और आज का मैच जो है लास्ट मैच होगा T20 सीरीज का, तो क्या संजू सैमसंग को पंत की जगह खिलाया जाएगा ये आज पता चल जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम आज दबाव में होगी क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज वो इस मैच को हारते हैं तो सीरीज 2-0 से गंवा देंगे, और अगर वो जीतते हैं तो ये सीरीज टाई हो जाएगी। T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड का सर का दर्द बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप से अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और लास्ट मैच में जिस तरीके से उन्होंने 56 गेंदों में 111 रन की नॉट आउट पारी खेली, तो न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे टेंशन का कारण बन सकते हैं सूर्य कुमार यादव। और टीम इंडिया एक बैलेंसिंग टीम नज़र आ रही है, जबकि न्यूजीलैंड के पास अनुभव है और अच्छे बैट्समैन है, पर सही टाइम पे सही कंडीशन में कैसे खेलना है थोड़ा बहुत यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम स्ट्रगल कर रही है। तो आज के मैच में जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी तो फील्डिंग करने का ही निर्णय लेगी, क्योंकि बारिश की संभावना होने के कारण पिच को यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो टॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हार्दिक पांड्या के अगुवाई में टीम इंडिया बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर टीम इंडिया आज के इस मैच को जीत जाती है तो एक कन्फर्म हो जाएगा हार्दिक पांड्या अगले मैचों के लिए भी T20 टीम की कैप्टनशिप कर सकते हैं, जबकि ओडीआई के लिए शिखर धवन को टीम की कैप्टनशिप दी गई है। तो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो के लिए।